फर्जी ग्राहक बनकर फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वह अन्य वेबसाइट से महंगे मोबाइल लैपटॉप टैब मंगाकर गबन करने वाला ठग गिरफ्तार, जिसमें 20 लाख रुपए की भिन्न कंपनी के 31 मोबाइल। देखिए अभी एक यहाँ पे वेयरहाउस कंपनी है ईकॉम एक्सप्रेस के नाम से, जो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन और अन्य कंपनियों के लिए वेयरहाउसिंग का काम करती है और कुरियर सर्विस कंपनी का काम करती है। वहाँ पे उनके मैनेजर ने आकर के हमको एक कंप्लेन दी थी कि इस कंपनी में काम करने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा लगभग 93 फोन्स, कुछ लैपटॉप और कुछ अन्य एप्पल वॉच और रियल सैमसंग की वॉच, इस तरीके के कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उसको गबन कर लिया गया है। उन्होंने फर्जी तरीके से दिखाया है कि एक आइटम कंपनी को रिटर्न कर दिए गए हैं, जबकि कंपनी पे ये आइटम जो है वो रिटर्न प्राप्त नहीं हुए। इस पे हमारी पुलिस ने तुरंत अभियोग दर्ज किया 298/23 थाना दौलाना में, जिसमें अभी एक अभियोग की गिरफ्तारी की गई है। इसका नाम सौरभ पुत्र मुकेश है, ये थाना कपूरपुर का क्षेत्र का रहने वाला है और ये इस कंपनी में काम करता था। इसके साथ साथ तीन अन्य साथी में टोटल 31 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसमें लगभग 11 एप्पल के मोबाइल फोन्स हैं, कुछ रियलमी के हैं, कुछ सैमसंग के हैं। इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने लगभग 93 मोबाइल, 24 लैपटॉप, कुछ टैबलेट और वॉचेस ये गायब करी थी। इसमें जो अन्य वांछित तीन लोग हैं उनके पास ये जो बाकी बचा हुआ सामान उनके पास है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इसको हमने गिरफ्तार किया और इसके पास से ये 31 फोन लगभग अभी बरामद हुए हैं, जो हाई एंड फोन है, जो इन्होंने जा करके अलग अलग यूजर्स को सस्ते दामों में बेच दिए थे। टोटल कितने लोगों का गैंग था ये? जैसा मैंने बताया, इसमें टोटल 4 लोग काम करते थे, इसमें 3 लोग अभी वांछित चल रहे हैं। ये सभी के सभी इस कंपनी में काम करते थे और इस कंपनी के माध्यम से ये लोग यहाँ से डिलीवरी दिखाते थे कि किसी के घर पे वो आइटम डिलीवरी के लिए जा रहा है और वहाँ से वो कंपनी को वापस हो गया, लेकिन जो आइटम वापस होता था ये लोग कंपनी की स्टॉक बुक में उसकी एंट्री नहीं करते थे और उसको ये लोग गायब कर दिया करते थे। सर, लगभग कितने रुपए कीमत का अब तक ये गबन कर चुके होंगे? देखिए, 20 लाख रुपए के तो यही फोन है, तो अगर हम मान के चले 93 मोबाइल और 24 लैपटॉप है, तो ये लगभग कुछ करोड़ों में जाएगा ये। और इसके बारे में अभी जो कंपनी है उनसे भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है, जो जो अन्य सामान भी है उसको भी हम लोग रिकवर करके कंपनी को वापस लौटाएंगे। अच्छा, फिर ये इन सामान जैसे गबन करते थे, इन सामानों का क्या करते थे? ये लोग जा करके अपने गांव और गांव मोहल्ले में आसपास जो भी जान पहचान के लोग होते थे उसको ये लोग सस्ते में ये फोन्स और ये सारी चीजें बेच दिया करते। GMS World School is visioned for a world-class education.